जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों आज हम सिंबल फार का जो जोर उड़ाने जा रहे हैं, इसकी दो वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूं, जिसकी पहली वीडियो में हमने उसको खरल किया था नींबू के रस के अंदर, दूसरी वीडियो में संपूर्ण किया था। इस बार हम सिंबल फार को लास्ट चरण में लेके आए हैं, इसको आग देंगे। तो देखिए, आपको इस तरह से छोटी सी एक कढ़ाई लेनी है, जिसके अंदर थोड़ी सी रेता डालनी है, ताकि वो समतल के ऊपर एक इंच तक रेता आपकी जो है आ जाए। उसके ऊपर हमारा ये संपुट, ये अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए, और इसके चारों तरफ हम दोबारा से बालू यंत्र बालू डालेंगे, रेता सांड या सांड भी बोलते हैं कुछ इलाकों में। तो इस तरह से आपको इसके चारों तरफ से रेता डाल देनी है, और ध्यान रखिए कि चारों तरफ बराबर का ही होना चाहिए। और जहाँ तक आपका नीचे वाला संपुट है, जहाँ आपका जो आपकी मेडिसिन है, उसके दो उंगल तक ऊपर तक ये बालू जो है होनी चाहिए। तो इस तरह से चारों तरफ हम धीरे धीरे इसके बालू डालेंगे, ताकि हमारा जो संपुट है हिले नहीं। ये देखिए, बड़े ध्यान से ये काम करने वाला होता है। तो ये हम डाल रहे हैं सारी की सारी बालू इसके अंदर। ये कढ़ाई हम छोटी सी लेते हैं, आपके पास जो भी कोई, अगर ये कढ़ाई इस तरह की नहीं है तो आप अपने घर से कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। ये बालू गर्म है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले भी एक जो काम किया है, तो हाथ से नहीं डाली जा रही। तो इस तरह से आपको बालू या रेत ये संपुट के चारों तरफ लगा देनी है। इसके अंदर आग का बहुत ध्यान रखना है। जो आग है आप देख रहे हैं, ये एकदम मध्यम आग है। पहले हम इसको मध्यम ही रखेंगे, थोड़ी देर में थोड़ी कम कर देंगे, और जब ये लास्ट चरण में होगी तो हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको बालू डाल देना है चारों तरफ इसके। ये हो गया, अब इसको चम्मच से धीरे धीरे समतल कर दें, ताकि चारों तरफ एक जैसा हो जाए, ताकि ये बाद में जब कई बार कपड़ा जो गीला होता है वो ऊपर इसके पानी वगैरह गिरता है, तो ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने देता। नीचे पानी जो है ना, वो जब उसके तुक्के गिरते हैं तो वो जुड़ने से शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जब आप इसको प्लेन करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है, और संपुट हिलता भी नहीं है आपका, इसको थोड़ी थोड़ी दाब आ जाती है। इस तरह से इसको अच्छे से चारों तरफ से बहुत बढ़िया से एक समतल सा कर दें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आग थोड़ी कम कर दी है, पहले थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ी सी कम करी, अभी और कम करेंगे। जब बालू पूरी गर्म हो जाएगी तो आग को कम करेंगे। इस तरह से थोड़े ठंडे जौर उड़ते हैं, बढ़िया उड़ते हैं, और साफ़ सुथरे जौर जो है वो तैयार होते हैं। देखिए, अब इसके ऊपर हम, मेरे को एक पौना घंटे के करीब, आधे घंटे के करीब हो गया, बालू हमारी गर्म हो गई, तो हम इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा, इसको ठंडे पानी के, आजकल मौसम जो है ठंडा है, तो टैंकी का पानी हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है ये। इस तरह से कपड़ा जो है उसको ठंडा करेंगे, और कप के ऊपर, ले कप के ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे इसको बार बार कपड़ा देखें। जब भी कपड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, सूखने को है, तो इसको कपड़े को दोबारा से गीला करें टूटी के पानी के साथ, या आपको जैसे भी पानी आपके साथ मिलता है आपके पास। तो इस तरह से बार बार कपड़ा चेंज करते जाना है। ये जोर आपने कम से कम, कुछ लोग तो इसको 2 से 3 घंटे तक उड़ाते हैं, मगर हम, मैं इसको 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक उड़ाता हूँ। तो इससे बहुत बढ़िया शानदार एकदम सफ़ेद जौहर जो निकल के सामने आते हैं। तो ये मेरे को अभी 2.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और इसका पानी देखिए, ये अभी भी कपड़ा जो है ठंडा है, फिर भी इसको चेंज कर रहा हूँ मैं। ये नल के पानी के सीधा टूटी वाला पानी है, बहुत ठंडा पानी है, तो कपड़ा बढ़िया ठंडा हो जाता है इससे। तो इस तरह आपको एक बार बार कपड़ा चेंज करते जाना है। तो ये मैंने अभी, मेरे को 2.5-3 घंटे हो गए, इसको मैं कम से कम 6 घंटे तक पकाऊंगा, फिर इसका मैं आपको खोल के संपूर्ण दिखाऊंगा कि इसके साथ कैसे जोर निकलते हैं। ये हमारे 6 घंटे के करीब, 6.5 घंटे के करीब हमने इसको उड़ा लिया है।
अब इसको खोलने के लिए जा रहे हैं हम, तैयारी कर रही है। तो ये देखिए इसके ऊपर एक ऊपर का जो कपड़ा है सबसे पहले उसको हटाया जाएगा। ये गाचनी की वजह से बहुत बढ़िया जो इसका संपुट होता है ना, गाचनी के साथ बहुत बढ़िया जब मुल्तानी मिट्टी या गाचनी लें आप, इसके साथ लीकेज की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये खोल दिया हमने दोस्तों, ये जोर जो उड़ा सकते हैं ज़रूर उड़ाएं, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। नामर्दी के अंदर इससे बढ़िया योग कोई नहीं होता। अगर आप अपने योग के अंदर थोड़ा सा इसका योग इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो नुस्खे हैं उनको चार चांद लग जाते हैं। मैं पहले मल संदूर का इस्तेमाल करता था, मल संदूर बनाता था, मगर ये जोर हैं जो है ये मल संदूर से भी बढ़िया काम करते हैं। शिंगर जो भी आप यूज़ करते हैं उसके साथ थोड़ा सा इसका प्रयोग करके देखें, उसके जो गुण हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए इसको आराम से खोल लेना है, इसके साथ थोड़े जोर लगे हुए थे मेरे। ये इसका एक फ़ायदा होता है, कप के अंदर जितने भी जोर लगते हैं ना ये बहुत कम लगते हैं, बाकी सारे इसके उड़ उड़ के नीचे नीचे वाले कप के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं। ये देखिए ये थोड़े से कच्चे रह गए, ये कालापन जो आ रहा है, तो बाकी देखिए ये साइडों पे ऊपर इसके लगे हुए चमकदार जौहर जो आपको दिख रहे हैं, ये नीचे भी एकदम ये सारे जौहर हैं, बहुत बढ़िया जौहर उड़े हैं। तो ये देखिए नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल साफ़ चीनी के जैसे चमकदार। तो ऐसे जोर अगर उड़ते हैं तो इसको इस यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हम इसको एक बार और उड़ाएंगे ब्रांडी के अंदर, जो ब्रांडी हमारी होती है उसके अंदर इसको खरल किया जाएगा, फिर इसके जोर दोबारा से लिए जाएंगे। तो शुक्रिया, धन्यवाद।